दुमका में गोली मार के एक युवक की हत्या करने के मामला सामने आया है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो आपको विचलित कर देती है। ये भी घटना कुछ उसी तरह का है। दुमका पोस्टमार्टम हाउस के बाहर का आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं। सामने पोस्टमार्टम हाउस है, उसके बाहर जो गाड़ी है इसमें दिलीप शाह का शव है। दिलीप शाह को रात के 2:30 बजे अज्ञात आदमी घर में घुस करके सीने में गोली मार देता है, ऐसा उसके बच्चे का कहना है, उनकी पत्नी का कहना है। इस घटना के बाद एक बच्चा है यहाँ पे जो पोस्टमार्टम कराने के लिए आया हुआ है। थाना से 2 स्टाफ हैं जो यहाँ खड़े हैं और एक महिला है जो लगातार रो रही है। कौन लोग थे जो इस घटना को अंजाम दिए ये कोई बताने वाले भी नहीं है। हम आपको बता दें, दिलीप शाह 2 दिन पहले ही दिल्ली से काम करके लौटे थे सहारा, और सहारा में मेन बाजार में, सहारा जो चौक है मेन चौक पे इनका आवास है, जहाँ पे यह घटना घटा है उस घटना पे पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी थी जो इस महिला ने जिस तरह से बताया, उसके बावजूद अपराधी नहीं पकड़ाते हैं और इस तरह की घटना का को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं। तुम क्या लड़का है ये क्या? तुम रात में घर में था? तुम कहाँ था? तुम जब ये घटना घटा था तो पुलिस जो आया था कि डॉक्टर के पास ले गया था? जिस तरह से बात आपसे, आपको पता है, जानकारी है पूरा मामला का, कब का घटना है? कब का घटना है ये? रात 1 बजे घटना। एक ये बता रहे थे 2:30 बजे का भी। हाँ वही, मतलब 2:30 बजे का। हाँ। बाहर एकदम सारा चौक पे घर है। हाँ, सारा चौक पे घर। पेट्रोलिंग गाड़ी वहाँ रहता है? हाँ, रहती है। क्या है घटना को बता दीजिएगा पूरा घटना। हम यही सोई थी, जो जान रहे हैं बताइए, जो सुन के आए हम तो दूर में घर जान के आप यहाँ पे आए। हाँ, आप यहाँ जो पहुँचे हैं क्या पता चला तुम्हारे यहाँ? बोला वहाँ गोली मार दिया उसको। क्या नाम था इनका? दिलीप मंडल। और ये दिल्ली में शायद रह रहे थे 2 दिन पहले? हाँ, 2 दिन पहले वापस आए थे। महिला जो है कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, रो रही हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है आपको विचलित कर देगी। सुबह से यहाँ पे बॉडी है। ये जो महिला है यहाँ पे, इनका कहना था कि रात में जब घटना घटा तो पुलिस इनको अपने साथ लेकर के यहाँ पर आ गई है, दुमका लेकर के आ गई है। इनका ये भी कहना था कि जो पुलिस थी वह बाहर में ही पेट्रोलिंग था, पेट्रोलिंग तुरंत पहुँच जाता है, बॉडी को किसी डॉक्टर या फिर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ नहीं ले जा करके खुद उसे मृत घोषित कर देते हैं, हॉस्पिटल लेकर के नहीं जाते हैं, थाना लेकर जाते हैं। रोड जाम ना कर दे स्थानीय लोग, इसलिए सुबह सुबह 2:30 बजे घटना घटती, सुबह 4-5 बजे इन्हें पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है, जहाँ ये अपने एक बच्चे के साथ रात भर अकेले रहती है। इनके पास कोई मोबाइल भी नहीं था जो अपने परिचितों को इस बात की सूचना दे सके कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, दुमका पोस्टमार्टम हाउस में हैं। फिलहाल इस मामले में अभी बहुत तरह की बातें सामने आएगी। गोली मार करके सीने में गोली मारा गया जिस तरह से उनका बच्चा, उनकी पत्नी ने बताया है। हम आपसे, आपको उनसे बात नहीं करा सक रहे हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो भी हो इस घटना के बाद जो दिलीप शाह हैं, इनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटी है 2 बेटा है, पत्नी है, सभी एक ही मकान में थे। अपराधी आता है गोली मार के चले जाता है, बाहर में पेट्रोलिंग की गाड़ी भी थी जैसा इनके परिवार वालों का कहना है, फिर भी अपराधी भागने में सफल हो जाते हैं। कुछ न कुछ तो इसमें षड्यंत्र है, राज है, जो आगे अनुसंधान में पुलिस का सामने आएगा कि इनकी मौत का वजह क्या है। 2 दिन पहले ही ये दिल्ली से वापस दुमका आए थे। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।